Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RM. Only learning, nothing else. आज मैं आपको most important 20 idioms के बारे में बताऊंगा. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि idiom जो है ये language learning का बहुत ही useful part है. अगर आप एक language learner है, अगर आप language के student है, तो लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लैंग्वेज में डेवलपमेंट करने के लिए हमें लैंग्वेज की हर जो एलिमेंट्स है, एस्पेक्ट्स है, उस पर फोकस करना पड़ेगा. अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी लैंग्वेज के ऊपर जो पकड़ है वो मजबूत नहीं बनेगी. इसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से 2 या 3 क्वेश्चन idiom से रिलेटेड आते हैं. अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज से बिल्कुल वाकिफ है कि ये जो idiom है ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है. इसलिए इस प्रकार की idiom जो है ये हमें सीखनी चाहिए. तो मैं आपको आज बताता हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट idioms इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो लेट स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू. हमारी पहली idiom है few and far between, जिसका मीनिंग होता है बहुत कम. few, बहुत कम. यहां आप इस idiom का मीनिंग इसी वर्ड से निकाल सकते हैं. few का अर्थ भी बहुत कम होता है, इसी से आप इस पूरे idiom का मीनिंग निकाल सकते हैं. few and far between मतलब बहुत ही कम. नेक्स्ट idiom है from bad to worse, जिसका मीनिंग होता है बदतर, और अधिक खराब होना. अब देखिए, आपने अगर डिग्रीज पढ़ी है तो बैड मींस बुरा और बैड कंपैरेटिव में होता है वर्स. वर्स का अर्थ होता है बदतर. बैड टू वर्स यानी और अधिक खराब होना, बदतर होना. थर्ड idiom है फ्रॉम डोर टू डोर. ये तो आपने एवरीडे लाइफ में भी काम आने वाली idiom है, डोर टू डोर लाइफ. जैसे हम किसी भी सरकारी स्कीम आती है उसका सर्वे करते हैं तो हम कहते हैं ना डोर टू डोर, मतलब घर घर तक जाना, हर द्वार तक जाना, हर आंगन तक जाना, हर चूल्हे तक जाना, उसको बोलते हैं फ्रॉम डोर टू डोर, द्वार द्वार तक जाकर. नेक्स्ट idiom है फेयर हैंड, जिसका मीनिंग होता है साफ लिखावट. एज आई से योर राइटिंग इज फेयर हैंड, आपकी लिखावट बहुत साफ है. फेयर हैंड का मतलब साफ लिखावट. नेक्स्ट वन है फ्रीलांस का मीनिंग होता है स्वतंत्र. फ्रीलांस स्वतंत्र, ये फ्री का अर्थ स्वतंत्र ही होता है. आप इसी से इस idiom का मीनिंग निकाल सकते हैं, फ्रीलांस फ्री स्वतंत्र. नेक्स्ट है फ्रेंच लिव, बिना सूचना के अनुपस्थित होना. अब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग, बिना सूचना के अनुपस्थित होना, उसको बोलते हैं फ्रेंच लिव. नेक्स्ट वन है फीस इन ट्रबल्ड वाटर्स, जिसका अर्थ होता है दलबली से लाभ उठाना, मतलब येन केन प्रकारेण बाय हुक और बाय क्रूक टू गेट बेनिफिट, लाभ उठाना, दलबली से लाभ उठाना, इसको हम कहते हैं फीस इन ट्रबल्ड वाटर्स. नेक्स्ट वन है, ये अपनी हो गई. नेक्स्ट है फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, मतलब कॉर्डियली, तहे दिल से. नेक्स्ट वन है फेयर सेक्स यूज किया जाता है फॉर फेमिनिन जेंडर, नारी जाति के लिए हम कहते हैं फेयर सेक्स, नारी जाति. नेक्स्ट वन है फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक. अब लॉन्ग मतलब लंबा होता है,
लंबे समय तक, लंबे समय के लिए फॉर लॉन्ग। आप ईडियम अगर याद करना चाहते हैं तो ईडियम के अंदर ही ईडियम का मीनिंग छुपा हुआ होता है। आप बस एक एक वर्ड को पकड़ लीजिए और आप आसानी से इसकी मीनिंग सीख सकते हैं। नेक्स्ट वन है फॉल इनटू ए रेज। फॉल इनटू ए रेज का मतलब होता है क्रुद्ध होना, क्रुद्ध होना, क्रोधित होना। अब रेज का अर्थ क्रोधित होना, क्रोध होता है रेज, रेज एज ए नाउन इसका अर्थ होता है क्रोध। तो आप इससे इस ईडियम का मीनिंग पकड़ सकते हैं, क्रुद्ध होना। नेक्स्ट वन है फॉल शॉर्ट ऑफ। फॉल शॉर्ट ऑफ कम होना, अब शॉर्ट मतलब छोटा, अल्प कम, इसी से आप इसका मीनिंग पकड़ दीजिए। फॉल फ्लैट ऑन, फॉल फ्लैट ऑन का अर्थ होता है प्रभाव नहीं डालना, प्रभाव नहीं डालना, अप्रभावी होना, ये इसके अर्थ होते हैं फॉल फ्लैट ऑन। नेक्स्ट वन है फिदर, फिदर वंस नेस्ट, फिदर वंस नेस्ट जिसका मीनिंग होता है अवैध तरीके से कमाई करके रखना, अवैध रूप से कमाई करके रखना, फिदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट वन है फीड अप विद, फीड अप विद तंग आ जाना, किसी से तंग हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो तब हम यूज करते हैं फीड अप विद। नेक्स्ट वन है फेलो फिलिंग जिसका अर्थ होता है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा। ओके नेक्स्ट वन है फाइट साइन ऑफ, फाइट साइन ऑफ मतलब टालना, फाइट साइन ऑफ का अर्थ होता है टालना। नेक्स्ट वन है फोर्स वंस हैंड, फोर्स वंस हैंड जिसका अर्थ होता है मन की बात प्रकट करने के लिए मजबूत करना, फोर्स वंस हैंड, फोर्स वंस हैंड मन की बात करने के लिए मजबूत करना। फोर्टी विंग्स, फोर्टी विंग्स थोड़ी देर के लिए झपकी लेना, जो शॉर्ट स्लीप होती है, आप मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट के लिए आँख मीचते हैं, नींद लेते हैं, झपकी लेते हैं, उसको बोलते हैं फोर्टी विंग्स। नेक्स्ट वन है फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स जिसका अर्थ होता है वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, इसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। वेतन के अलावा आपको जो भत्ते मिलते हैं, जो लाभ मिलता है, उसको कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। और ये अपनी हो गई, तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस। ये आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।